तो अमेरिका के बिग बॉस का फैसला आखिर हो गया है। कांटे की टक्कर के बाद जो बाइडेन को बहुमत मिल गया है, अब वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और उनकी सहयोगी भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनेगी। डेमोक्रेट बाइडेन ने राष्ट्रपति की रेस में ट्रंप को पटखनी दी। अमेरिका ने सुना दिया अपना फैसला, बाइडेन होंगे व्हाइट हाउस के बिग बॉस। जोश और जश्न में डूबा अमेरिका, ब्लू न रेड, संयुक्त अमेरिका बनाएंगे बाइडेन। 77 साल के बाइडेन 37 साल के युवा जैसे जोश में हैं। वो दौड़कर मंच पर आए अपनी जीत का ऐलान करने, अपने इरादों की झलक देने और अमेरिका को भरोसा देने कि उनकी अगुवाई में अमेरिका आगे बढ़ेगा, दूरियां खत्म होंगी और वो एक नए अमेरिका के सपने को साकार करेंगे। रिपब्लिकन ट्रंप को वोट देने वालों से उनको कोई गिला शिकवा नहीं होगा। My fellow Americans, मिलिए अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति से, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नए हुक्मरान से। कानूनी दांवपेच में फैसला उलझने की सारी अटकलें धरी रह गईं और साफ हो गया कि बाइडेन ही होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। और अमेरिका का फैसला आने के बाद बारी बाइडेन की थी। देश और दुनिया को भरोसा देने की उम्मीद की नई सुबह आई है और वो खरे उतरेंगे। The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory. For we the people, we've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation. 74 million. और भारत के नजरिए से देखें तो बाइडेन से भी ज्यादा खुशी की बात भारत के लिए ये है कि उसकी बेटी कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति जैसे ताकतवर पद के लिए चुनी गई हैं। और अब कमला हैरिस की जुबानी सुनिए कि राष्ट्रपति चुने गए बाइडेन कितने बड़े दिल वाले हैं। यू चोज जो बाइडेन एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड जो इज अ हीलर, अ यूनाइटर, अ टेस्टेड एंड स्टेडी हैंड। दुनिया और खुद अमेरिका इस वक्त कई चुनौतियों से दो चार हो रहे हैं। उम्मीद कीजिए कि नई दशकों के राजनीति और प्रशासन का अनुभव रखने वाले बाइडेन अमेरिका को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आखिर उनके साथ 7,40,00,000 लोगों का भरोसा है। गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो कानूनी जंग की अटकलें खारिज हुई और 7.5 करोड़ के करीब वोट हासिल करने वाले जो बाइडेन को शानदार जीत मिली और इसके बाद अमेरिका के शहरों में जश्न देखने को मिले। भारतवंशियों ने भी बाइडेन की जीत पर जमकर जश्न मनाया। अमेरिकियों ने सड़कों पर नाच गाकर बाइडेन की जीत का जश्न मनाया। ये जश्न है बाइडेन की जीत का। अमेरिका झूम रहा है, नाच रहा है। अमेरिका में भांगड़ा हो रहा है। अमेरिका में ढपली बज रही है।
अमेरिका उम्मीदों से भरा है। जोश और जश्न के बीच अमेरिका के शहरों की नींद उड़ी हुई है। देश ने आखिर सबसे बड़ा फैसला किया है। जो बाइडेन की झोली वोटों से भर दी है। अमेरिका के जोश और जज्बे का आलम ये था कि ऐतिहासिक वोटिंग हुई और अब जब फैसला आ गया है तो इस अंदाज में जश्न तो बनता ही है। अमेरिकियों से पहले जरा अपने हम वतनों का जश्न देख लीजिए जो अमेरिका में बसे हैं और वहाँ की तरक्की की रफ्तार के पहिए हैं। भारत वंशी जश्न में डूबे हैं। अप्रवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कैलिफोर्निया में भांगड़ा हो रहा है। जीत अमेरिका में हुई लेकिन जश्न पूरा इंडियन स्टाइल में मन रहा है। जरा वॉशिंगटन के इन तस्वीरों को देखिए। आलम यह है कि अमेरिकी रसोई के बर्तन लेकर सड़कों पर निकल पड़े हैं। बर्तन बजाकर जश्न मना रहे हैं। बाइडेन को बायडन लिखे पोस्टर लहरा रहे हैं। और ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की हैं। वही जोश, वही जज्बा। बाइडेन के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। अमेरिका इस वक्त अंदरूनी हालातों से जूझ रहा है। ये जश्न बताता है कि उनको बाइडेन में नई उम्मीद की रोशनी दिखती है। गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।